वेलकम टू एक्यूमेन। आज आप जीपीएससी सीविल में कई रीतना जीपीएससी प्रीलिम अने मेन्स पहली ट्राई पास करी है तेना विषे आप जानीशू। पहला आप कई कई एग्जाम अपकमिंग में आवा है जे जीपीएससी द्वारा बहु बधी वेकन्सी आवानी है तेना विषे जोईए कि कई कई एग्जाम आवानी है। त्यारबाद आप जोईए मारो पहला इंट्रोडक्शन आपूँ तो मारू नाम सलोडिया हरेश राघोभाई है। मैं जीईसी भावनगर में बी सीविल इंजीनियरिंग 2018 में पास आउट करेलू। लास्ट ईयर में मारू प्लेसमेंट प्राइवेट कंपनी में थेलू। त्या मैं एक वर्ष वॉटर सप्लाय प्रोजेक्ट में काम करेलू। त्यारबाद मैं सूरत में टॉलेस्ट रेसिडेंशियल बिल्डिंग राउंड प्लस 24 माळनी जे फ्लोरनी छे एमां मैं 6 महीना सुधी काम करेलू। त्यारबाद मैं एने थयुं के मारे गुजरात सरकार में एक ऑफिसर बनवू छे एनी माटे मैं जीपीएससी नी प्रिपेरेशन स्टार्ट करी। त्यारबाद प्रथम प्रयासे ज मारे प्रीलिम में थर्ड रैंक साथे मैं क्वालिफाय करेलू। त्यारबाद अत्यारे हूँ गुजरात सरकार में एज ए आसिस्टंट इंजीनियर क्लास टू ऑफिसर तरीके भाड़भूत बेरेज प्रोजेक्ट में हूँ काम कर रहेलो छूँ। भाड़भूत बेरेज प्रोजेक्ट जे गुजरात सरकार महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, ओवरओल 4200 करोड़ प्रोजेक्ट है, तेमा हूँ अत्यारे मारी सेवा आपी रहेलो छूँ। हवे आ मैं बात करी थी बधुं प्रीलिम्स नी बात करेली हती कि भाई प्रीलिम्स में टेक्निकल ने नॉन टेक्निकल में कई रीतना तैयारी करवी। प्रीलिम्स क्लियर थया पछी इंटरव्यू आवे छे। इंटरव्यू नी वात करीए तो जीपीएससी चेर भवन में गांधीनगर खाते लेवामां आवे छे। एमां जनरली 5 હોય છે। એમાં જીપીએસસીમાં એક એડમિનિસ્ટ્રેટિવ હોય, ચેરમેન હોય, પ્લસ એક પ્રોફેસર હોય છે, પ્લસ જૂના ડિપાર્ટમેન્ટ ઇરિગેશન હોય તો ઇરિગેશનના કોઈક સચિવ કે ચીફ એન્જિનિયર એવો બેઠેલા હોય છે। બહુ નોલેજેબલ ને એક્સપિરિયન્સ પર્સન હોય છે એ બધા। એ લોકો આપણું જનરલી 25-1 મિનિટ ઇન્ટરવ્યૂ લેતા હોય છે। એ ઇન્ટરવ્યૂમાં જનરલી તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન પૂછે, પ્લસ જનરલ કંઈ બનાવો અત્યારે ચાલતા હોય એવા નોર્મલ એ પૂછે, ને મોસ્ટલી ટેકનિકલ પૂછતા હોય છે કે ભાઈ તમારું અલગ અલગ કેનાલ ફોલ કયા આવે, ડેમમાં કયા કયા કઈ રીતના ફેલર થાય, ડેમની સાઇટ સિલેક્શન વખતે કઈ કઈ કરવું, અલગ અલગ સરકારની સૌની ભાડભૂત બેરેજ યોજના, સુજલામ સુફલામ યોજના અથવા તો નેશનલ હાઈવેની રિવર લિંકિંગ પ્રોજેક્ટની યોજનાઓ એવું બધું પૂછતા હોય છે। જનરલ ટેકનિકલ જાજુ રહેતું હોય છે। નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, અગર આપકો હમારા નયા બેચ જોઈન કરના હૈ તો આપ ઇસ બારકોડ કો સ્કેન કર સકતે હૈ ઓર યહાં સે આપકો સીધે એક ફોર્મ મિલેગા જિસકો આપ ફિલ કરકે ફર્ધર ગાઈડન્સ આપ દેખ સકતે હૈ કે આપકો ક્યા કોન સા બેચ જોઈન કરના હૈ। ઠીક હૈ, आपको एसएससी का बैच ज्वाइन करना है, आपको जीपीएससी का बैच ज्वाइन करना है या फर्दर आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बैच ज्वाइन करना है, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा जस्ट स्कैन दिस बारकोड। नाउ आपका जो अभी एग्जाम हुआ है बेटा 22 मई को एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर का, उसका अगर सॉल्यूशन देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर डायरेक्टली जा सकते हैं। और कोई भी वीडियो आपको देखना है जीपीएससी रिलेटेड तो आप जस्ट स्कैन करिए इस बारकोड को और आप सीधा हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे। नाउ अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए रिगार्डिंग द जीपीएससी, कब से फॉर्म भरने वाला है, कब रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, और क्या नया अपडेट आया है जीपीएससी के बारे में, तो आप सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट स्कैन दिस बारकोड एंड आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। नाउ अगर आपको हमारा सैंपल बुक डाउनलोड करना है जो कि आपको सर ने भी दिखाया है, तो आप जस्ट इस वेबसाइट पर जा सकते हैं इस बारकोड को स्कैन करके और आप वहां से हमारा सैंपल बुक फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ अगर आपको हमारे सेंटर पर विजिट करना है तो ये हमारा एड्रेस है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जिसको आप क्लियर करना चाहते हैं कि भैया जीपीएससी में कौन सी पोस्ट पे हम रिक्रूट होंगे, अगर क्लास 2 हम एग्जाम देते हैं या क्लास 1 एग्जाम देते हैं या क्लास 3 एग्जाम देते हैं, तो आप ये दो नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं जो हमारे दोनों नंबर हैं, यहाँ से आपको फर्दर गाइड कर दिया जाएगा। नाउ इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड जितना हो सके उतना शेयर करिए इसको।